अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा कंडक्टर का लेंथ निकालने का होगा। तो कंडक्टर का लेंथ जो है हम लोग बिल्कुल कंड्यूट के लेंथ के ही हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन 50% काम हम लोगों ने कंड्यूट के लेंथ निकालने में ही कर लिया है। तो कंडक्टर का लेंथ निकालना बहुत ही आसान हो गया है। अब हम लोग सीधा सीधा बिल्कुल यहीं पे ऐसे लिखेंगे कि सीरियल नंबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सीरियल नंबर, यहाँ सीरियल नंबर की एक ब्लॉक बना लेंगे। अब उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ कंडक्टर यूज, नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर की यहाँ पे हम लोग ब्लॉक बना लेंगे। तो ये नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है, कौन कौन से, तो दो कंडक्टर के लिए, तीन कंडक्टर के लिए, चार कंडक्टर वाले जो होंगे, पाँच, छः, सात, आठ, ये सारे कंडक्टर हैं, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हम सारा जो है हम लोग ब्लॉक इसका बना लेंगे इस तरीके से, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से है ये स्टूडेंट। इससे बना लेने से जो है हमारा हिसाब जो होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से जो है हम आगे कैलकुलेशन इसका करेंगे। नंबर ऑफ द कंडक्टर की जो है हम लोग निकाल दिया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे लेंथ यूज्ड, लेंथ यूज्ड, कितना लंबाई इस्तेमाल किया गया है। तो अब दो जो है दो कंडक्टर वाले कितना इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये देखा जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंड्यूट, लेंथ ऑफ कंड्यूट कितना इस्तेमाल किया गया है। तो इसको हम लोग एक ब्लॉक में बना देते हैं। तो दो जिसमें कंडक्टर थे वो इस्तेमाल कितना किया गया था, 62.25 मीटर। दोस्तों इसे जो है हम लोग उसमें जो लिखा गया है पहले कंड्यूट की जो निकाली गई है उसमें से हम लोग देख लेंगे। तीन वाला जो इस्तेमाल किया गया है वो 14.7, चार वाला जो इस्तेमाल किया गया है वो 6 मीटर इस्तेमाल किया गया है, और पांच वाला जो इस्तेमाल किया गया है, पांच कंडक्टर इसमें 6.75 इस्तेमाल किया गया है, छह कंडक्टर जिसमें पार हुए थे कंड्यूट 4 मीटर इस्तेमाल किया गया था, सात जो किए गए हैं 4.25 इस्तेमाल किया गया है, और इसमें भी जो है 4.25 इस्तेमाल किए गए हैं। तो अब जो है हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालने का सबसे आसान तरीका जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ भी निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दो कंडक्टर पार हो रहे थे किसमें, 16 mm वाली पाइप में, उसका लेंथ कितना था, उसका लेंथ जो है हमारे पास कितना था टोटल इस्तेमाल, 62.25 मीटर इस्तेमाल हुआ। तो सीधी सीधी बात है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ निकल आएगी। तो अब इसको टोटल लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.5 4 124.5 मीटर हम लोग जो है वायर इसमें इस्तेमाल करेंगे, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 54.1 मीटर इसमें इस्तेमाल करेंगे, और इसमें इस्तेमाल जब करेंगे तो 24 मीटर यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, और जब इसमें इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 33.75 मीटर इस्तेमाल होगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा 24 मीटर, और यहाँ पे जब निकालेंगे 29.75, और जब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग तो 34 मीटर। ये हमारा जो है प्रत्येक साइज के कंड्यूट के इतना लेंथ हमारा कंडक्टर इस्तेमाल हो रहा है। अब इन सबको हम लोग जोड़ लेंगे, क्या करेंगे सबको इसमें जोड़ लेंगे, तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर यूज्ड इन द गिवन सिंगल लाइन डायग्राम और गिवन लेआउट, तो हमें वो पता चल जाएगा कि कितना कंडक्टर इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे टोटल हमारे पास 324.1 मीटर आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल कंडक्टर यूज इज इक्वल टू 324 मीटर इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कितना इस्तेमाल करेंगे, 324 मीटर का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट आप सबको हम एक ट्रिक बताना चाहते हैं कि ये लंबाई जो आई है ये क्या सही आई है या नहीं सही आई है, इसका ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि टोटल लेंथ ऑफ द कंड्यूट पाइप को जब हम निकाल लेते हैं तो उसमें हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका 3 गुना कर देते हैं, तो हमें
जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल के आती है वो कंडक्टर के साइज़ की होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देख लें तो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया है कि 103 मीटर टोटल लेंथ ऑफ द कंड्यूट का जो है हम लोग इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ पे 103 जो है इसको हम लोग तीन गुना करेंगे, कितना, तीन गुना करेंगे तो ये लगभग जो है हमारा 309 मीटर के आता है और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है हमारे कंडक्टर का। तो ये मतलब ये कहा जा सकता है कि हम लोग जो भी कैलकुलेशन किए हैं यहाँ पर और यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। इसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हम कंड्यूट साइज निकाला गया है, कंड्यूट की टोटल लेंथ अगर एक बार निकाल ली गई तो वहीं से इसका तीन गुना मल्टीप्लाई करके जो है हम लोग जो है कंडक्टर के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना होता है। और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें ये सब पूरा जो है गुणा करना पड़ेगा कि क्या क्या कितना कितना इतना इस्तेमाल किया गया है। चलिए यहाँ पे आपको जो है कंड्यूट साइज भी निकल गया और अगले जो है हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस जो है किस तरीके से हम इसके समान निकालेंगे और समान की सूची बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।